क्योंकि उदली समाज का है, किसी अपर कास्ट के लोगों को तो उसको मारा पीटा जाता है, मुझे अपर कास्ट के लोग मारेंगे पीटेंगे, तो उस डर को खत्म करना है। नंबर है 8006131818। ये नंबर पे जब भी किसी की कॉल आएगी तो उस कॉल की बिल्कुल जांच की जाएगी, तो उस पर उसकी पूरी तरह से कानूनी मदद की जाएगी। जिनको अगर धक्के मारे जाते हैं मंदिर में जाने से तो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, क्योंकि वहां थोड़े जाएंगे जहां पे उनको प्रताड़ना हो धर्म के नाम पे, जाति के नाम पे, जहां पे उनको मारा जाए, धक्के दिया जाए, बाहर भगाया जाए, धुतकार किया जाए, जहाँ जलील किया जाए। उनको अपने रास्ते अलग करने चाहिए, बाबा साहब ने भी अपने रास्ते अलग किए। उनको अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, उनको सत्ता व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए। आने वाले टाइम में जो SC ST पे खास तौर से जो एट्रोसिटी जुल्म जाती है वो कम होगा। नमस्कार, मैं नूरजहां और आप देख रहे हैं जनित आवाज। मैं इस वक्त मौजूद हूँ प्रेस क्लब में। यहाँ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है जिस चीज़ को लेके हुई है वो हम आपको बता देते हैं। जो दलित और शोषित वंचित तबके से जो लोग आते हैं उनको लेके इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है। जिस तरीके से क्रूरता का व्यवहार आपने देखा होगा कई खबरों में किया जाता है दलित समाज के लोगों के साथ, उसको लेके इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस जारी की है, जिसमें कहा गया है कि एक नंबर दिया है इन्होंने जिसमें अगर आप कॉल करेंगे तो कुछ ही समय में कार्रवाई कर दी जाएगी। तो सवाल यही उठता है कि प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रही है, जो कि इनको प्रेस कॉन्फ्रेंस की ज़रूरत पड़ गई और एक नंबर जारी करने की ज़रूरत पड़ गई। इसी चीज़ से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है एडवोकेट शदाब खान जी। सर, जिस तरीके से आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस करी उसमें नंबर जारी करा है, क्या प्रशासन ढंग से काम नहीं कर रही है? हाँ, बिल्कुल सही बात है। प्रशासन, देश की आज़ादी को 70-75 साल हो गए और आज भी बहुजन समाज पे एट्रोसिटी जुल्म जाति घटने की जगह बढ़ती जा रही है। अभी हर साल जो मैंने डेटा देख रहा था NCRB का, जो सरकार का डेटा है, 10-12% हर साल एट्रोसिटीज बढ़ी है, खासतौर से SC और ST समाज पे। तो हम लोगों का जो मकसद है, जो हमारी टीम है जिसमें नबा कुमार सरनिया साहब जो सांसद हैं कोकराझार आसाम से, और राजकुमार सैनी साहब जो सांसद एक सांसद हैं कुरुक्षेत्र हरियाणा से, और DGP साहब जो पृथ्वीराज जी हैं हरियाणा से, वो हिमाचल के रिटायर्ड DGP हैं, एक MW अंसारी साहब हैं जो छत्तीसगढ़ के रिटायर्ड DGP साहब हैं, एक करणधर साहब हैं जो वो भी DGP हैं, और कुछ और दीगर लोग हैं जिसमें कुछ जजेस हैं, कुछ IAS वगैरह हैं। तो जो हमारी टीम है, हमारी टीम ने इस बात को बड़ी मतलब गंभीरता से लिया। इसको कई साल हम लोगों ने रिसर्च किया कि भाई देश में हर साल 10-12% एट्रोसिटीज बढ़ती जा रही है, और इस पर सरकारी लेवल पर ये कानून तो है SC ST एक्ट पे, लेकिन उस पर कन्विक्शन का जो मामला है वो बहुत कम है। जो FIR हो जाती है उसमें कन्विक्शन का जो रेशियो बहुत कम है, एक बात। दूसरी बात ये कि जो FIR होती ही नहीं है, थाने से धक्के मार के भाई जिसके साथ जुल्म जाती हुई, मारा पीटा गया, रेप हो गया, थाने पे FIR ही नहीं करती। और मोहल्ले में दबाव बना के दबंगों द्वारा या सामंतवादी द्वारा उस घटना को दबा दिया जाता है, समझौता करा दिया जाता है, उसका डेटा भी नहीं आ पाता है। जो डेटा सरकारी डेटा है जिसमें बमुश्किल FIR होती है, उसमें कन्विक्शन का रेट नहीं है, और जो घटनाएं दबा दी जाती है उसका कोई डेटा नहीं है। तो आज की इस प्रेस मीट का मकसद ये था कि एक पोर्टल बनाया जाए जिस पर देश भर में जितने भी एट्रोसिटीज होती हैं, चाहे वो SC पे हो, ST पे हो, OBC समाज पे हो, और धार्मिक अल्पसंख्यकों पे हो, उसका एक डेटा बाकायदा हो और बिल्कुल उसकी जांच पड़ताल करके उस पोर्टल पे रखा जाए, ताकि देश को और सरकार को भी पता चल सके कि इस मुल्क में आज़ादी के इतने सालों बाद भी इस तरह से लोग एट्रोसिटीज करते हैं, जो दबंग हैं, जो सामंतवादी हैं, जो मनवादी सोच के लोग हैं, उससे रिलेटेड आज ये प्रोग्राम हुआ है। और इसमें एक नंबर जारी करना इसलिए मजबूरी थी क्योंकि एक सेंट्रल लेवल पे लोग अपने अपने लेवल पे मदद तो कर रहे हैं अलग अलग स्टेट में, अलग अलग जिलों में, लेकिन कुछ सेंट्रल लेवल पे देशव्यापी ऐसा कोई मंच नहीं था, कोई प्लेटफॉर्म नहीं है, इसलिए ये मंच बनाया गया है, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है, ताकि देशव्यापी कोई मामला हो तो उसके लिए कोई आदमी कितने रात के 2 बजे रात में भी अगर कॉल करता है इंडिया में कहीं भी किसी भी ज़िले से, तो उसको तुरंत रिस्पॉन्ड किया जाए और उसको जो भी कानूनी सहायता हो, चाहे कोर्ट के थ्रू हो, वकील वहाँ लीगल सेल हमारी है, या जो SC ST कमीशन है उसके थ्रू हो, चाहे इसमें जैसे 3-4 DGP का मैंने नाम बताया, ये लोग हैं वहाँ के सुपरिंटेंडेंट ऑफ SP को, पुलिस को बात करेंगे, वहाँ के DGP कमिश्नर को बात करेंगे कि भाई फलां फलां थाने में FIR नहीं ली जा रही है, या वहाँ पर जिसके साथ जुल्म जाती हुई है उसको उल्टे मारा पीटा जा रहा है, थाने में उसी को दबाया जा रहा है,
उसके लिए किया गया है। इस पे हम लोगों की एक बहुत लंबी चौड़ी टीम है वकीलों की। मतलब कितने लोग हैं, मतलब लगभग आपकी टीम में जो आपके साथ जुड़े हुए हैं इस काम के? हमारी टीम में लाखों लोग हैं। हाँ, आप ये माने कि करीब 1 लाख से ज़्यादा वकील हैं जो हमारी टीम में हैं, जो SC ST OBC एंड माइनॉरिटी समाज से आते हैं। और इसमें 4 DGP हमारे पास आते हैं, करीब 15-20 रिटायर्ड IAS हैं, 8-10 जजेस हैं, और उसके अलावा और भी बहुत सारे डिग्निटीज हैं, अलग अलग समाज, अलग अलग फील्ड के लोग हैं जो हमारे साथ काम कर रहे हैं। प्रेजेंट के इसमें अभी 3-4 सांसद हमारे साथ हैं, अभी एक सांसद प्रेजेंट के सांसद बैठे थे, और कुछ करीब 40-50 एक सांसद हैं हमारे साथ। तो ऐसे करके हमारी टीम लाखों लोगों की। कई घटनाएं होती हैं जो सामने ही नहीं आ पाती हैं, अगर किसी के साथ घटती भी हैं तो वो सामने ही नहीं लाना चाहता है, तो इससे आपको लग रहा है दलित समाज इससे जागरूक होगा? हाँ, बिल्कुल जागरूक होगा। लोग डर के मारे भी तो सामने नहीं आ पाते हैं। डर खौफ का भी तो माहौल है, उसको अपने समाज में रहना है। किसी को अगर नमस्कार नहीं किया, आदाब नहीं किया, तो क्योंकि वो दलित समाज का है, किसी अपर कास्ट के लोगों को, तो उसको मारा पीटा जाता है। वो डर के मारे वो बोल नहीं पाता है, तो उसके उस डर को ख़त्म करना, उस भय को ख़त्म करना, जो उसके दिल में एक डर है कि भाई मुझे अपर कास्ट के लोग मारेंगे पीटेंगे, या मैं उनके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाऊँगा। खेतों में वो काम करवा लेते हैं उसको बधुआ मजदूर की तरह, उसका जो मजदूरी है उसकी दिहाड़ी नहीं देते हैं, वो बोल नहीं पाता है। वो इसलिए कि अपने उसको बच्चों की आजीविका चलानी है, तो उस डर को ख़त्म करना है और वो अपने हक हकूक के लिए लड़े। और ये मंच इसीलिए बना है, ये एक नॉन पॉलिटिकल मंच है, इसमें कोई राजनीतिक मंच नहीं है। ये इससे देश भर के जो दबे कुचले शोषित वंचित हैं, माइनॉरिटीज हैं, मुसलमान हैं, सिख हैं, लिंगायत हैं, ईसाई हैं, बौद्धिस्ट हैं, और भी जो लोग जो मजहबों को धर्म को नहीं मानते, बहुत सारे लोग एथिस्ट भी हैं, और जो जंगलों में रहते हैं जैसे आदिवासी हैं, तो वो विद्यार्थी हैं, किसान। आदिवासी की बात करें तो जो द्रौपदी मुर्मू हैं, जो हमारे राष्ट्रपति हैं, वो खुद आदिवासी समाज से आती हैं, तो उनको एक मंदिर में जाने से रोक दिया गया, फिर भी ये तो आम जनता के लोग हैं, इनके जो भेदभाव होता है इनके साथ, वो कैसे ख़त्म होगा? तो हजारों सालों की एक प्रताड़ना है लोगों को, लेकिन यही समझाने की ज़रूरत है कि आपको मंदिर में जाना और नहीं जाना आपकी लाइफ का मतलब नहीं है। मंदिर में जाना असल मकसद ये था कि आपको अपने बच्चों को एजुकेशन देना था, उनको सही व्यवस्था, आपके लोग सत्ता व्यवस्था में कैसे जाएं, आपको इस बात पे ध्यान देना था, आपके हक हकूक कैसे मिले। और जब आपको मंदिर में नहीं जाने दिया जाता है, तो आप जाने की लड़ाई में क्यों खड़े हैं, आप छोड़ क्यों नहीं देते? उनकी भी एक आस्था आस्था होती है ना कि हम भी जाएंगे वहाँ पे, प्रार्थना करेंगे। वैसी जगह आस्था क्या रखना जिस जहाँ पर जाने से आपको धक्का दे दिया जाए, मारा जाए, पीटा जाए, तो वैसी जगह से तो आपकी आस्था टूटनी चाहिए। और वैसी जगह आप अगर अपनी आस्था रखते हैं जहाँ पर मैं मुसलमान हूँ और मुझे मस्जिद में जाने से रोका जाएगा, तो क्या मैं इस्लाम धर्म में रह पाऊँगा? मैं एक सवाल करता हूँ अपने उन दलित भाइयों से जिनको अगर धक्के मारे जाते हैं मंदिर में जाने से, तो उनको बिल्कुल नहीं जाना चाहिए, उनको अपने रास्ते अलग करने चाहिए। बाबा साहब ने भी अपने रास्ते अलग किए हैं, कहा था कि मैं हिंदू समाज में पैदा जरूर हुआ हूँ लेकिन मैं मरूँगा नहीं, तो उन्होंने अपना रास्ता अलग किया, बौद्धिस्ट समाज में चले गए। तो इसी तरह से आपके पास बहुत रास्ते हैं, जो दलित समाज के लोग बहुत सारे मुसलमान भी बन गए, बहुत सारे लोग सिख बने हैं। आप पंजाब में देखिए 35% शेड्यूल कास्ट हैं जो सिख हैं, तो इसी तरह बहुत सारे लिंगायत हो गए, बहुत सारे दलित समाज क्रिश्चियन हैं। तो मजहब तो उनकी अपनी एक जो फेथ का मामला है, उनकी अपनी प्रायोरिटी है, उनकी अपनी मर्जी है, वो जहाँ चाहे जाएँ, लेकिन वहाँ थोड़े जाएँगे जहाँ पर उनको प्रताड़ना हो धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, जहाँ पर उनको मारा जाए, धक्के दिया जाए, बाहर भगाया जाए, धुतकार किया जाए, जहाँ जलील किया जाए, वहीं ऐसी जगह पे जाने का कोई फ़ायदा नहीं है। उनको अपने बच्चों को एजुकेशन देना चाहिए, उनको सत्ता व्यवस्था का हिस्सा होना चाहिए ताकि उनके ऊपर कोई अत्याचार ना हो। ये जो नंबर जारी करा है, आप एक बार नंबर बता दीजिए और किस तरीके से, मतलब कॉल करेंगे तो कब तक कार्रवाई की जाएगी, उसके बारे में थोड़ा बताइए। नंबर है 8006131818, ये नंबर है, ये हिंदी में बता देता हूँ, 8006131818 ये नंबर है। ये नंबर पे जब भी किसी की कॉल आएगी तो उस कॉल की बिल्कुल जांच की जाएगी कि वो आदमी जो फ़ोन करने वाला है वो सही कॉल कर रहा है या फर्जी कॉल है, कोई गलत कॉल तो नहीं है। अगर वो जांच होने के बाद सही पाया जाता है तो उस पर उसकी पूरी तरह से कानूनी मदद की जाएगी, चाहे पुलिस प्रशासन से बात करके हो, या हमारी लीगल सेल है देश भर में, लीगल टीम है हर ज़िले में, हमारी लीगल टीम है, वो वहाँ जाके उस पर बिल्कुल एक्टिवली कार्रवाई करेगी। और जो FIR अगर बनता होगा तो कानून सम्मत काम करना है, हमें कोई गैर कानूनी काम नहीं करना, जो कानून सम्मत है वो काम हमें करना है, जो कानून सबके लिए देश में पाया है। लेकिन कानून है तो बना हुआ, लेकिन उस पर पालन नहीं हो रहा है, हमें उसको पालन करवाना है। एक आदमी मानिए SC समाज का है, आदिवासी है, या SC समाज वो, या OBC समाज का है, या माइनॉरिटी है, वो थाने पे गया, पुलिस वाले ने उल्टा उसके साथ घटना घटी, जुल्म हुआ, FIR नहीं काट, उसके FIR लॉज नहीं किया, उल्टा उसको मारपीट के भगा देती पुलिस, रात में उसको बैठाती है, शोषण करती है। आपने UP में देखा होगा जिसकी लड़की का रेप होता है, उसी के फादर को थाने में बैठाया जाता है, टॉर्चर किया जाता है।
तो उस पर हमारी लीगल टीम है जो देश भर में, तो हर ज़िले में है करीब करीब, तो जहाँ भी जैसी ज़रूरत होगी हम लोगों की मदद करेंगे और इसको बहुत ताकत से लड़ेंगे। और लोग हैं, लेकिन ये था कि लोग सेंट्रलाइज कोई डेटा नहीं था, इसलिए सेंट्रलाइज डेटा हो और सेंट्रलाइज मतलब एक देश भर का कोई एक ऐसा मंच नहीं है, अब तक नहीं बना था, इस मंच को आज हम लोगों ने बनाया। और हम ऐसी उम्मीद करते हैं आने वाले टाइम में जो SC ST पे ख़ास तौर से जो एट्रोसिटी जुल्म जाती है वो कम होगा, उसका जो हर साल जो 10% बढ़ता जा रहा है ग्राफ, वो ग्राफ नीचे आएगा। बहुत बहुत शुक्रिया। तो इन्होंने नंबर भी बता दिया है कि इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं, मतलब नंबर है कि 8006131818, ये नंबर है, इस पे आप कॉल कर सकते हैं। अगर आप कॉल करेंगे तो जल्द से जल्द कार्रवाई की जाएगी। इसी को लेके प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और दलित समाज को जागरूक करने की भी एक मुहिम चला रहे हैं कि दलित समाज भी इससे जागरूक होगा और आगे बढ़ेगा। और वही है कि एजुकेट हो, मतलब पढ़ें लिखें तो काफ़ी आप आगे ये समझ सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं और अपने ही हक के लिए आप आवाज़ भी उठा सकते हैं।